मंदसौर गांधी चौराहा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया सरकार को जगाने के लिए पांच सूत्री मांगों को लेकर। मंदसौर गांधी चौराहा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गांधी चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने किया जा रहा है और आज सरकार को जगाने के लिए और सरकार को सद्बुद्धि मिले उसको लेकर सद्बुद्धि यज्ञ गांधी चौराहे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन के अध्यक्ष चेना गुर्जर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 1:05 पर रविवार को बताया कि 14 दिनों से हम लोग हमारी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पहली मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। 2018 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय 1,00,000 रुपए दी जाएंगी और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के समय 75,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपए दिए जाए और सहायिकाओं को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। इस तरह की पांच सूत्री मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंडित द्वारा मंत्रोच्चार से आज हवन कराया गया सरकार को जगाने के लिए और सरकार को सद्बुद्धि मिले जिससे हम लोगों की मांगे भी जल्द से जल्द सरकार पूरी करे, उसको लेकर यह सद्बुद्धि यज्ञ आज गांधी चौराहे पर किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पदाधिकारी श्रीमती शिवकन्या द्वारा कहा गया कि हम लोगों द्वारा शांतिपूर्वक इस तरह से पांच सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानेगी तो हम लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हमारा हड़ताल का 14वां दिन है, फिर भी शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, इसलिए हम माता रानी का हवन कर रहे हैं और माता रानी से मांग रहे हैं कि शासन प्रशासन और हम मातृशक्ति को सबको सद्बुद्धि दे और हमारी सब मांगों को शासन पूरी करे। और हमारी निम्न मांगे है, जो पहली मांग है कि हमको नियमित किया जाए, दूसरी मांग है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी केंद्र को मिन में बदला जाए, तीसरी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 2018 में घोषणा करी थी कि वे रिटायरमेंट के समय 1,00,000 रुपये और सहायिकाओं को 75,000 रुपये दिए जाएंगे, वो अभी तक लागू नहीं हुए, तो मातृशक्ति को लागू करके एरियर सहित दिया जाए, और मिनिमम कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये दिए जाए। ये हमारी निम्न मांगे, इन मांगों को लेकर ही हम 14वां दिन धरना स्थल पर बैठे हैं और सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं आज। और आज सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है, जो शासन हमारी बातें सुन नहीं रही है तो उनको, शासन को और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं और सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है। हमारे पांच सूत्री मांगे हैं हमारी, और उसमें पहली मांग हमारी ये है कि सब कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किया जाए, और दूसरी मांग है कि मिनी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता में और मेन केंद्र में बदला जाए, उनके साथ सहायिका की नियुक्ति की जाए, और तीसरी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में हमारे 1,500 रुपये बढ़ाए थे और कार्यकर्ता सहायिकाओं के 750 रुपये बढ़ाए थे, तो उन्होंने अभी तक हमारे ये लागू नहीं किया है, तो हमें चाहते हैं कि इनको एरियर के रूप में हमको सब ये दिया जाए 2018 से। और चौथी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ही कार्यकर्ताओं को जब रिटायर होती है तो 1,00,000 रुपये और सहायिकाओं को 75,000 रुपये देने का उन्होंने वो रखा था, तो उन्होंने अभी तक किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर लागू नहीं की जो हमारे 2018 के बाद जो अभी रिटायर हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि उन सभी कार्यकर्ताओं को जो पहले भी रिटायर हुई उनको दिया जाए। और उसके बाद आखिरी मांग हमारी ये है कि हमारे कम से कम 24,000 रुपये कार्यकर्ताओं के और 18,000 रुपये सहायिकाओं का मानदेय होना चाहिए। मेरा नाम श्रीमती शिवकन्या अमोरा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और यदि कार्यकर्ताओं की ये मांगे पूरी नहीं होती है और हम उग्र आंदोलन करते हैं तो फिर ये सब समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। अभी हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।